हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वैपनेक्स्ट के बारे में कि क्या किस टाइप का स्कैम हुआ है आप लोगों के साथ और मतलब अभी क्या कुछ है, क्या उनकी वेबसाइट अलाइव है और उनके ऑफिशियल जो हैंडल्स हैं वो कहाँ गए हैं, उनसे क्या न्यूज़ आ रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो बस एंड तक देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो से आप जो सीखेंगे वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन होगा आपके लिए। स्वैपनेक्स्ट की वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यानी शाम को पिछले दिन मैंने ये अपलोड कर दी थी क्योंकि मेरे किसी एक फॉलोअर ने, एक ने क्या, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर स्वैपनेक्स्ट के बारे में बताओ, तो मैंने यहाँ पर रिव्यू करके बताया था और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ये बोलते हैं कि इतना इतना अर्निंग करेंगे, इसके बारे में सब कुछ बताई थी। मगर तुरंत मुझे मैसेज आए कि भाई ये जो है फ्रॉड करके भाग गए हैं, ऐसे ऐसे तरीके से बंद हो गया। मैंने वो वीडियो डाउन कर दी और थोड़ा सा रिसर्च करा और जिसने मुझे बताया था उन लोगों ने ही मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जिससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी जो मैं आपको अभी इस वीडियो में सीधा दिखा देता हूँ। यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज ही दिखा देता हूँ आपके पूर्व, मतलब जो इनके ऑफिशियल हैंडल से आए। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला ये वाला मैसेज देख लो आप, इस पर क्या बताया कि वी टेम्परेली स्टॉप एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स, यानी ये पहला मैसेज आया। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया, उनको बताया कि हमारे जो बड़ा ब्रोकर है उसने हमसे फ़ंड लेना टेम्परेरी, हमारी सर्विसेज क्लोज कर दी हैं, हमसे ऑर्डर फंड लेना ये सब चीज़ें करना वो बंद कर दिया, इस वजह से हम ये भी मार्केट मतलब यहाँ पर हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रोकर हमारा जो है फ़ंड रिसीव नहीं कर रहा, मतलब ना ट्रेड करने दे रहा वगैरह वगैरह, ऐसे एक्सक्यूज बनाने लगते हैं अब। और उसके बाद अगला जो इनकी तरफ से मैसेज आया वो ये था, टर्मिनेशन ऑफ द स्वैपनेक्स्ट वेबसाइट, यानी वेबसाइट की टर्मिनेशन का सीधा मैसेज आ गया और इन्होंने बोला कि आर बिगेस्ट ब्रोकर हैज़ रिव्यूज्ड आवर क्वेरी, रिफंड द मनी वी सेंड देम टू एग्जीक्यूट ऑर्डर। अभी किस तरीके से आप लोगों पर पूरी बात आप लोगों पर डाली जा रही है ये समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। इन एडिशन द स्वैपनेक्स्ट वेबसाइट इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू डीडॉस अटैक, ये डीडॉस अटैक बता रहे हैं, इट इज़ अ COTPS कंपनी और ये कंपनी, अब मैं वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, यही वो कंपनी कह लो या कुछ भी कह लो। और यहाँ पर अगर अभी आप स्वैपनेक्स्ट की भी वेबसाइट खोलकर देखोगे तो आपको कुछ इसी टाइप की कंपनी, ये देखो ये वाली वेबसाइट खोल के मिलेगी। ये बोल रहे हैं कि डीडॉस अटैक हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में भी अभी बताते हैं आपको। और वी हैव बीन रनिंग आवर ऑर्डर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। As you may remember, we are not a classic arbitrage platform. We are merely an intermediary between you and the market. वो कह रहे हैं कि भाई अब हम कोई आर्बिट्राज बड़ी कंपनी नहीं थे, हम तो सिर्फ बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था जो आपके ऑर्डर्स को मार्केट तक लेके जा रहे थे। और सुनो आगे, अकॉर्डिंग टू द स्वैपनेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइनेंशियल लॉसेस एंड रिस्क दैट क्रिप्टो करेंसी स्फीयर इन्वॉल्व। वो कह रहे हैं भाई आपका जितना भी लॉस हुआ है, तुमने जो टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आगे बढ़ा दी थी ना कहानी, उसमें लिखा हुआ था कि हम कोई, अगर कोई कल को अटैक हो जाए कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है उसके, तो ये क्या प्री प्लान नहीं था बिल्कुल भी? क्यों इनके पास सारे टर्म्स कंडीशन सब इनके फेवर में ही आ रहे हैं? फ्रॉम दिस मोमेंट आवर वेबसाइट स्टॉप्स ऑपरेटिंग एंड ऑल लाइबिलिटी फॉर योर डेट इज COPT's रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिसको आप जानते भी नहीं हो, आपने जिस प्लेटफॉर्म पे करा है, आपने जिस प्लेटफॉर्म पे पैसे डाले उस पर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो एड्रेस है, वो सब फेक हैं। उसमें आपको कहीं जाओ, वहाँ जाओगे वो किसी आइलैंड पे मिलेगा, वो आप देखोगे अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एड्रेस भी खरीद लिया होता है, ठीक है जी। आप सबसे बड़ी चीज़, जो टेलीग्राम चैनल पे इतने सारे मेंबर्स इनके जुड़े हुए थे, टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो आके कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आके देखोगे तो ये चैनल ही टर्मिनेट हो चुका है, चैनल प्राइवेट कर दिया, एक्चुअली टर्मिनेट भी नहीं करा, तो यहाँ पर आके आपको इस चैनल पे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है ओवरऑल कहानी अभी स्वैपनेक्स्ट के बारे में। तो जो लोग भी आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे थे या प्रमोट कर रहे थे या जो भी, खैर लोगों को भी नहीं पता होता टू बी ऑनेस्ट, बट ये इतनी जल्दी इतना बड़ा स्कैम इस टाइप की चीज़ें करके निकल जाएंगे ये तो हमने भी नहीं सोचा था। अभी तो मुझे थोड़े दिन पहले इन लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो बेसिकली एक बहुत ही लीगल तरीके से आप लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों के भी पैसे डूबे हैं या जिन लोगों ने भी इसमें पैसे लगाए, शायद आपकी कुछ रिकवरी हो पाए कहीं से, या फिर ये कुछ कंपनसेशन से रिलेटेड, या फिर ये दोबारा लाइव हो जाए और आपके शायद जो बचे हुए या फिर जो डिपॉजिट किए हुए मनी है वही आपको वापस मिल जाए। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसे बहुत ही कम केसेस में होता है।
और इससे रिलेटेड कोई और इम्पॉर्टेंट अपडेट जैसे ही आएगी कोई इनके ऑफिशियल हैंडल की तरफ से या फिर कहीं और से कुछ जुगाड़ करके मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ पाऊँगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए और अपडेटेड वीडियो इसकी लेकर आऊँगा। अभी तक की कहानी ये है और इस तरीके से इस पर अटैक वटैक के ये कहानी मेरे हिसाब से तो कहानी ही बना रहे हैं कि भाई ऐसे हुआ ऐसे हुआ है। और इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी प्लेटफॉर्म ऐसे देखते हैं इसमें 10% 20% महीने का मिल रहा है या फिर 2-3% दिन का रिटर्न मिल रहा है तो आप लोग उसमें बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना होता है। और उसमें आपको जब 2-3% दिन का रिटर्न मिल रहा है तो आप उसमें एक छोटी सी अमाउंट डाल के छोड़ दीजिए। 2-3% अगर दिन का मिलेगा तो 6 महीने में ही आप करोड़पति बन जाएंगे, 6 महीने से भी कम में बन जाएंगे टू बी ऑनेस्ट। बट 6 महीने का भी टाइम ले लो, अगर 6 महीने भी चल गया, अगर कोई कंपनी इतनी ही लेजिट है जो 3% दिन का रिटर्न दे रही है तो 6 महीने काफ़ी है और $100 काफ़ी है उसके लिए, $50 भी काफ़ी है उसके लिए। तो छोटा मोटा अमाउंट डाल के करा करो इन्वेस्ट। इसमें मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मैसेज आए जिन लोगों ने बहुत मोटा मोटा फंड इसमें डाला हुआ है, अगर आप उसमें से एक हैं तो नीचे कॉमेंट करके बताइए। और एक ग्रुप वगैरह का हम कुछ इंतज़ाम करते हैं जहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ी और डिस्कशन कर लेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में और इससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट होगी इम्पॉर्टेंट तो ही वो इसके बारे में और वीडियोस बनाएंगे, वरना मेरी तरफ से गुड बाय। और आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। ये वीडियो मैंने डाउन कर दी है बिकॉज जैसे ही मैंने डाली थी उसके 1 घंटे बाद तो क्या मेरे ख्याल से 5 मिनट के बाद ही मुझे मैसेजेस आने लग गए थे ऐसे ऐसे हो गया, तो मैंने फटाफट वीडियो हटा दी। और ये अपडेटेड वीडियो है, इससे रिलेटेड और न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।